ये एक जीवनदायी शक्ति का उदाहरण है। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए, देशी गाय का गौमूत्र अर्घ अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। ये एक जीवनदायी शक्ति का उदाहरण है। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए, देशी गाय का गौमूत्र अर्घ अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि एक भोपाल की सांसद लगातार जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करती है, आज फिर उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं गौमूत्र पीने के कारण उन्हें कोरोना नहीं होता। आप सांसद हैं, आपको देख के कई लोग फॉलो करते हैं और कई लोग इस कारण से, जनता लेट होती है और उसके कारण मौतें होती है, लोगों की मौतें हो रही है, लोग मर रहे हैं और आप इधर उधर की सलाह देने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है शिवराज जी तय करें कि क्या है, क्या गौमूत्र पीने से अगर अच्छा हो रहा है तो क्यों ना हम इन्हें हॉस्पिटलों में अप्लाई करें। और अगर आईसीएमआर की, WHO की गाइडलाइंस में नहीं है और जिस प्रकार से दवाइयों का असर, क्योंकि एक एक व्यक्ति रेमडेसिविर से लेके, दवाइयों से लेके हर चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने घर बार को बेच के काम कर रहा है और सांसद लगातार जिस प्रकार की सलाह देती है इसके कारण कहीं ना कहीं लोग लेट होते हैं और लोगों की मौतें होती है। या तो इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए या इसे लागू किया जाए, सरकार स्पष्ट करे कि क्या नीति और क्या नियत है। और लगातार सरकार कह चुकी है कि लोगों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या सरकार इसको लागू करने का काम करेगी। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि एक भोपाल की सांसद लगातार जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करती है, आज फिर उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं गौमूत्र पीने के कारण उन्हें कोरोना नहीं होता। आप सांसद हैं, आपको देख के कई लोग फॉलो करते हैं और कई लोग इस कारण से, जनता लेट होती है और उसके कारण मौतें होती है, लोगों की मौतें हो रही है, लोग मर रहे हैं और आप इधर उधर की सलाह देने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है शिवराज जी तय करें कि क्या है, क्या गौमूत्र पीने से अगर अच्छा हो रहा है तो क्यों ना हम इन्हें हॉस्पिटलों में अप्लाई करें। और अगर आईसीएमआर की, WHO की गाइडलाइंस में नहीं है और जिस प्रकार से दवाइयों का असर, क्योंकि एक एक व्यक्ति रेमडेसिविर से लेके, दवाइयों से लेके हर चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने घर बार को बेच के काम कर रहा है और सांसद लगातार जिस प्रकार की सलाह देती है इसके कारण कहीं ना कहीं लोग लेट होते हैं और लोगों की मौतें होती है। या तो इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए या इसे लागू किया जाए, सरकार स्पष्ट करे कि क्या नीति और क्या नियत है। और लगातार सरकार कह चुकी है कि लोगों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या सरकार इसको लागू करने का काम करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।